बड़े शहर का बड़ा मार्का मारने के लिए दो बड़ी जमातों की बलदियाती मुहिम। कराची में तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की एयरपोर्ट से मजार काय तक रैली, आतिशबाजी का मुजाहरा, मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन ट्रैफिक जैम। लंदन में आप देख ही रहे होंगे आज, तो अगर देख रहे थे अल्ताफ भाई, आपको बाहर से खतरा नहीं है, लगता है अंदर से ही -1 का फॉर्मूला आ गया है। कप्तान का कराची पहुंचते ही मुखालफीन पर वार, जगह जगह कारकुनान से खिताब, बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी के बाद अमन देने का वादा। सिराजुल हक कहते हैं आवाम फैसला कर ले, उन्हें लंदन का मेयर चाहिए या कराची का। अपनी मुहिम चलाओ भाई का गम ना खाओ, मुत्तहदा का कप्तान को जवाब। राबता कमेटी का कहना है कि कारकुन -1 की साजिशों के बावजूद मुत्तहिद है। मुख्तलिफ इलाकों में MQM की भी रैलियां। PTI और जमात इस्लामी ने रैली निकालने की इजाजत नहीं ली। कराची इंतजामिया का इलेक्शन कमीशन से नोटिस लेने का मुतालिबा। शहर में 1791 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास, 2116 हसास तरीन करार। तिवल बच गया, किसी ने नचाया घोड़ा तो कोई लेकर फिरता रहा लेमोजीन। इस्लामाबाद में बलदियाती इलेक्शन की मुहिम 3 घंटे बाद खत्म होगी। प्रिजाइडिंग अफसरों को मजिस्ट्रेट के इख्तियारात मिल गए। PP 147 के जिमनी इलेक्शन में बेजाबकियां हुई, नवाज लीग ने नतीजे चैलेंज कर दिए। NA 122 में धांधली मान ली जाए तो सीट छोड़ दूंगा, MPA शोएब सदीकी की पेशकश। कराची में जियाउद्दीन अस्पताल पर छापा, रिकॉर्ड की निशानदही के लिए डॉक्टर आसिम को साथ लाया गया। मुलाजमीन से पूछगछ, मुख्तलिफ इलाकों से मुत्तहदा के सेक्टर इंचार्ज समेत 23 मुलजिम गिरफ्तार। हम लोगों से 2,60,000 पहले यहाँ से लिया गया। मैंने 2,60,000 रुपया दिया था और मुझे स्टिचिंग के वीजे के लिए लेके गए थे ये लोग। फैसलाबाद में FIA का छापा, लड़कियों को अरब ममालिक और यूरोप में नौकरियों का झांसा देकर लाखों रुपए लूटने वाले दो इंसानी स्मगलर गिरफ्तार।